की तालियों का बनती भाई इतने खूबसूरत खूबसूरत से गीतों का जोरदार तालियां बनती है। अगर आपकी तालियां इस महफिल में यूं बिछड़ती रही ना तो आपके कानों में यूं श्रृंगार करते रहेंगे हम इस विले सफर में। मैं पवन भाई से गुजारिश करूंगा कि सुखी घड़ी में हो या दुख की घड़ी में संगीत हमारे साथ किस तरीके से रूप में है। लगभग लगभग 12-13 वर्ष पहले हम लंदन गए थे कार्यक्रम में, जब हमने वहाँ पे एक जुनून देखा 21 जून वर्ल्ड म्यूजिक डे पे। हमको हिंदुस्तानियों को किसी को नहीं मालूम था कि वर्ल्ड म्यूजिक डे कब होता है। जब हमने वहाँ 2 महीने रुक के और उसमें 21 जून वर्ल्ड म्यूजिक डे जब वहाँ मनते हुए देखा, उसके बाद में हमने यहाँ आके हमने सब कलाकारों से जाहिर मंशा जाहिर करी कि यार अपन भी एक आयोजन करते हैं। सब ने कहा कि एक बढ़िया रवीन्द्र टैगोर या कोई सा भी हॉल बुक करते हैं। हमने बोला नहीं, इसको हॉल में नहीं करेंगे, इसको ऐतिहासिक जो अपने छतरी है यहाँ पे अपन इस धरोहर पे अपन ये कार्यक्रम करेंगे। इससे आम पब्लिक को भी हमारी जोड़ने की मंशा है। इस कार्यक्रम में लगभग लगभग 200 से कलाकार आते हैं। सुबह 6 बजे से निरंतर चालू हुआ ये, कल सुबह 6 बजे कंटिन्यू चलेगा ये नॉन स्टॉप। इसमें हर कलाकार इंदौर देवास उज्जैन सभी से आ रहे हैं। ये इंदौर में स्टार्ट हुआ प्रोग्राम आज कोटा उज्जैन महू देवास सभी दूर ये प्रोग्राम हो रहा है। मुझे बड़े गर्व होता है कि एक इंदौर से जोत जो जली है वो पूरे हिंदुस्तान में जो जली है। इससे पहले कभी हिंदुस्तानियों ने कभी वर्ल्ड म्यूजिक डे नहीं मनाया है।